दोस्तों, स्क्रीन पे चलता हुआ एनिमेशन वीडियो आपको जरूर दिखाई पड़ रहा होगा। इसे अक्सर लोग हाथ से लिखने वाला वीडियो भी कहता है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप इस तरह का एनिमेशन वीडियो कैसे आसान तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट पहुँचते रहे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में देखिए प्ले स्टोर होगा, उस प्ले स्टोर पर क्लिक करके आपको प्ले स्टोर में आना है और उस प्ले स्टोर में वहाँ पे टाइप करना है आपको प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में BENIME लिख के इसे बस आपको सर्च कर देना है। ये देखिए आपके सामने ये वाला ऐप जो है दिखाई पड़ रहा है, इसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अगर आप में इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको ओपन करना है। मेरे केस में मेरा पहले से इंस्टॉल है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे बस सिंपली ओपन करेंगे। तो देखिए आपको इस ऐप का यूजर इंटरफेस सामने में आ चुका है। तो आपको क्या करना है, कोई भी अगर नया वीडियो बनाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिखाई पड़ रहा है, इस प्लस के आइकन पे आपको बस क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पर नाम इसका रख दें और उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिटी चुनना पड़ेगा, जो भी क्वालिटी आपको चुनना है। जैसे हम यहाँ अपने केस में कुछ भी नाम रख देते हैं ABC, और अगर आपको यहाँ से क्वालिटी चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट मूवी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ये वाला क्रिएट मूवी, आपको इस पर क्या करना है, बस सिंपली एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद अब आप चाहे तो यहाँ जो भी आपको अपना वीडियो बनाना है यहाँ पे आप बना सकते हैं। जैसे आपको कोई वीडियो बनाना है तो ये जो पेज आपको दिखाई पड़ रहा है नीचे में, ये वाला पेज, इस पेज पर 3 बिंदी है, 3 डॉट, आपको इस पर क्या करना है एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा फंक्शन सामने में खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप इसमें ऑडियो ऐड कर सकते हैं, रीऑर्डर एलिमेंट यानी जो आगे पीछे वो कर सकते हैं, ये हम बताएंगे क्या होता है, करके दिखाएंगे। बैकग्राउंड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ ऐड आउट एनिमेशन, यहाँ से एनिमेशन अलग वाला, अलग से कोई भी एनिमेशन यहाँ जोड़ सकते हैं और यहाँ से इस पेज को डिलीट भी कर सकते हैं, इस पर डिलीट पर क्लिक करके। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आप इसमें कुछ लिखेंगे कैसे। फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे हटाने के लिए 3 बिंदी पर क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी लिखना है। जैसे यहाँ पे आप क्या करें, कुछ भी अगर वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको यहाँ इसमें लिख करके जो बताना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी यहाँ पे लिखना है वीडियो का टॉपिक यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिख देंगे। और उसके बाद लिखने के बाद आपको यहाँ पे यहाँ उसके बाद क्या करेंगे, आप जो भी वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पर लिख देंगे। और लिखने के बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करना है, आपको इंसर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये यहाँ पर जा करके इस पेज में ऐड हो गया। तो अब ये आपको मतलब कि दिखेगा कैसे कि ये ऐड हुआ है या कैसा चलेगा, तो यहाँ पे आपको देखिए प्ले का बटन दिखाई पड़ रहा है, आपको इस प्ले के बटन पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए चलना शुरू हो जाएगा, ये देखिए चलना शुरू हो गया है। और इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि ये कितना देर चलेगा। आपको टाइमिंग सेट करने के लिए क्या करना है, इस पर एक बार हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में, आपको इस पर क्या करना है एक बार क्लिक करना है। तो इस पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ये टोटल फंक्शन नीचे में खुल के आ चुका है। तो यहाँ पर आप इसका जो है टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसको सेंटर में कर सकते हैं या साइड में कर सकते हैं, पूरा लेफ्ट में कर सकते हैं या राइट में कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसमें पूरा जानकारी मिलेगा आपको, बस देखते रहें, इसके बिल्कुल भी नहीं करें नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ड्यूरेशन जो आपको लिखा मिल रहा है ये वाला, आप यहाँ पर ड्यूरेशन को घटा बढ़ा सकते हैं कि आपका स्क्रीन पर कितना देर दिखाई देगा और यहाँ पर इसको कितना देर ये रुका रहेगा, ये भी आप कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। इसलिए मतलब यहाँ पे आपका कितना देर के बाद दूसरा टेक्स्ट पे दूसरा टेक्स्ट दिखाई पड़ेगा, आपको ये कर लेना है। उसके बाद इस लिखावट में से आपको कुछ भी अगर डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पेंसिल वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप कुछ ऐड कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे कुछ डिलीट नहीं करना है तो हम रहने देंगे बस ऐसे ही। आप इसका चाहें तो इसका जो है फॉन्ट वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से ए वाले बटन पर क्लिक करके, ये देखिए ए लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करके इसका फॉन्ट का स्टाइल भी इसको चेंज कर सकते हैं। फिर ये मेरा पूरा प्रोसेस कम्प्लीट हो गया, तो हम यहाँ सही के निशान पर टिक लगाएंगे और हम ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मेरा है पहला नंबर में स्टिकर, अब यहाँ स्टिकर पे हम क्लिक करके कोई भी अपना इमेज हम गैलरी से इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कोई भी इमेज हमको जोड़ना है तो हम यहाँ ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और ये मेरा सीधा चला जाएगा गैलरी में, और गैलरी में से हम यहाँ चाहें तो कोई भी इमेज को ले करके यहाँ
जोड़ सकते हैं और यहाँ पे दिखाएंगे कि ये बिल्कुल कैसा दिखेगा। तो हम सपोज डेट ले लेते हैं कोई भी यहाँ से इमेज, जैसे मैं ये वाला, अब यहाँ से इसको हम काट के छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसको पूरा फुल साइज हम यहाँ तक ले लेते हैं और यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करते हैं और ये मेरा इमेज सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये मेरा इमेज सेलेक्ट हो जाएगा, अब इसको आप एडजस्ट करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कभी देखते होंगे कि एनिमेशन वीडियो जब चलता होगा लिखने वाला, तो पहले इमेज दिखता है, उसके बाद टेक्स्ट दिखता है, फिर क्या होता है कभी टेक्स्ट दिखता है और फिर कभी इमेज दिखता है। तो आप क्या करेंगे, इसको छोटा करना है तो एडजस्ट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे इसको यहाँ से। तो आपको इमेज को छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो है लाइनिंग दिखाई पड़ रहा है, इसको आप जब आगे पीछे करेंगे तो ये इमेज छोटा बड़ा होगा। तो यहाँ से आप इसको इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा बड़ा रखना है तो हम यहाँ पे बड़ा रहने देंगे। और उसके बाद जब आप इमेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो इमेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फंक्शन खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज को आप अपने स्क्रीन पे कितना देर शो कराना चाहते हैं, वो आपके मर्ज़ी के मुताबिक है। यहाँ पर आप टाइम घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो मेरे केस में हम यहाँ 5 सेकेंड कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, सब कुछ करने के बाद यहाँ पे सही का टिक है, हम यहाँ टिक कर देंगे। ये अब दूसरा टूल हम सीख चुके हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड चाहे तो इसका चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बीजी है तो आप यहाँ पे बीजी करके इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, चाहे जो भी आप इसका रखना चाहें। ऐसा हो गया तो, लेकिन मुझे वाइट ही चाहिए, तो हम फिर से बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरा जो है हमको वाइट चाहिए तो हम यहाँ पे वाइट ही रखेंगे। तो हमको पता कैसे लगे कि मेरा कलर वाइट हो गया है, तो ये वाला देखिए, आपको इसको आगे पीछे करना है। ये अगर वाइट हो जाएगा तो आपका बैकग्राउंड भी वाइट हो जाएगा। तो ये देखिए, हम इसको आगे पीछे करते हैं, मेरा वाइट नहीं हुआ है। फिर देखते हैं मेरा, ये देखिए वाइट हो चुका है मेरा ये वाला। तो अब इसको अब यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे और ये मेरा वाइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं चौथा टूल पे। अब यहाँ जो हैंड लिखा हुआ है, अब जब जैसे ही हैंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आप हैंड के स्टाइल पे चुन सकते हैं। आपको या चाहे तो आप ये वाला स्टाइल रख सकते हैं, या चाहे तो ये वाला रख सकते हैं, या तो ये वाला रख सकते हैं, या तो ये वाला, आपको जो पसंद आए वो रख सकते हैं, या नहीं रखना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो हमको रखना है तो हम क्या करेंगे, जो अच्छा वाला है वो चुन लेते हैं। तो हमको ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला हम इसको चुन लेते हैं, ये वाले को हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अब जब भी हम वीडियो को चालू करेंगे तो दिखाएंगे कि वो चुनने से क्या फ़ायदा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ म्यूजिक है, म्यूजिक वाले पे क्लिक करके आप इस पर ऑडियो जोड़ सकते हैं, या आप अपने मुंह का आवाज़ डाल सकते हैं इस वीडियो में। आप जो भी वीडियो बना रहे हैं, आप आवाज़ डालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये वाला दिखाई पड़ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे आपका ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो ऑडियो रिकॉर्ड होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो उसके बगल में सही का निशान दिखाई पड़ रहा है जस्ट उस पर आपको एक बार क्लिक करना है और ये आवाज़ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको आवाज़ ये वाला नहीं चाहिए, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे डिलीट का बटन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, आप ये वॉइस डिलीट हो जाएगा। तो अगर फिर जब आपको ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको सही वाले बटन पे क्लिक करना है और ये प्रोसेस कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो चलिए अब हम, ये वीडियो मेरा एक बन चुका है, अब हम इसको चला के दिखाते हैं कि ये वीडियो आखिर मेरा बना कैसा है। तो इसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, इस पे आपको क्लिक करना है प्ले वाले बटन पे। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका वीडियो चलना शुरू हो चुका है। तो पहले आपका टेक्स्ट लिखा जा रहा है, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, देखिए इमेज लिखा जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद इमेज आया है, लेकिन हम चाहते हैं कि उतना डिले नहीं हो, तो हम उसको कम कर देंगे इमेज पर। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइमिंग हम कम कर देंगे, इमेज मेरा तुरंत आना चाहिए। अब उसके हम सही वाले पर क्लिक करेंगे और फिर से हम वीडियो चला कर देखेंगे तो टेक्स्ट आएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, इमेज जब मेरा टाइम कम कर दिए तब मेरा तुरंत इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर टेक्स्ट मेरा बहुत देरी से आ रहा है, तो टेक्स्ट को हम डिले को कम कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। पॉज को भी हम क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे। ड्यूरेशन 4 सेकेंड, मतलब कि ये मेरा जब लिखने का टाइम होगा तो वो 4 सेकेंड में पूरा लिख के कम्प्लीट होगा। फिर सही वाले पर हम क्लिक करेंगे, फिर से हम वीडियो चला कर देखेंगे। ये देखिए अब वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है, लिखा गया वीडियो, अब तुरंत इमेज भी आ गया। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम पहले टेक्स्ट लिखें, ये पहले हम टेक्स्ट लिखा गया है उसके बाद मेरा इमेज आया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले मेरा इमेज आए। ये देखिए पहले मेरा, हम चाहते हैं कि पहले मेरा इमेज आए,
फ़ोटो उसके बाद ये टेक्स्ट लिखा जाए, तो वो भी तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये वाला थ्री डॉट है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए री ऑर्डर करके आपको ऑप्शन मिलेगा, इस री ऑर्डर वाले पर आपको क्लिक करना है। तो अब इस री ऑर्डर वाले पर जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक नंबर में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक नंबर में आपको जो टेक्स्ट है वो दिखाई पड़ रहा है, और दो नंबर में क्या दिखाई पड़ रहा है, इमेज पड़ रहा दिखाई पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, इमेज को एक नंबर में और टेक्स्ट को दो नंबर में कर देना है। तो वो कैसे करना है अभी हम बताते हैं। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो थ्री लाइनिंग दिखाई पड़ रहा है, ये थ्री लाइनिंग दिखाई पड़ रहा है, आपको इस पर क्या करना है, क्लिक करना है इस थ्री लाइनिंग वाले पे। जैसे आप इस पर लगातार प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करके ऊपर ले जाएंगे उंगली से, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा ऑटोमेटिक। हम करके दिखाते हैं, देखिए लगातार प्रेस किए, ये आगे पीछे हम जूम कर सकते हैं, तो ये ऊपर ले जाएंगे ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से थ्री डॉट पे फिर क्लिक करेंगे, ये मेरा हट गया। अब देखिए हम वीडियो चला के देखेंगे तो पहले मेरा क्या आएगा, इमेज आएगा, उसके बाद अब टेक्स्ट आएगा। तो चलिए चला के हम देख लेते हैं, देखिए पहले मेरा इमेज आया, उसके बाद अब टेक्स्ट लिखा जा रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पूरा कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं। ये वीडियो वैसे भी 6 सेकंड का, ज़्यादा देर का है नहीं, आप अपना वीडियो इससे लंबा बना सकते हैं। लेकिन उसको लंबा बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखिए प्लस का आपको निशान दिखाई पड़ेगा, इस प्लस के निशान पर आपको क्लिक करना है और आपको पेज जोड़ते जाना है और आपको ये वीडियो फिर बनते जाएगा। आप फिर इस पेज पे जैसे कुछ लिखें वैसे इस पेज पे क्लिक करके आप फिर यहाँ कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं फिर इस पेज पे, लेकिन इसका एक लिमिट है, आप पेज 5 ही पेज आप इसमें लिख सकते हैं अधिकतम। तो आप अगर आपको आपका वीडियो अगर लंबा है, अगर आपको और पेज चाहिए लिखने के लिए, तो आप यहाँ फिर से प्लस आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे ये आपको ऐड देखने के लिए बोलेगा, तभी आपको ये एक पेज देगा, पर ऐड पर एक पेज देगा आपको, या नहीं तो आपको इसका पेज खरीदना पड़ेगा। आप खरीद भी सकते हैं, अगर आपको फ्री में लेना है तो आपका पर एड पे एक्स्ट्रा एक पेज मिलेगा 5 पेज के बाद। तो इस तरह से आप अपना एनिमेशन वाला कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें आपको पूर्ण जानकारी मिला होगा, इसके बाद कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में।